यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है,
मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है, मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को बढ़ने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है।